आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। दो टंगस्टन के लैंप्स हैं, एक ए है और एक बी, दोनों की रेजिस्टेंसेस दे रखी है R1 एंड R2। आर कनेक्टेड इन अ सर्किट ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस किसी सर्किट की है, उस सर्किट से हमने इसे कनेक्ट कर दिया। तो अगर R1 ग्रेटर देन R2 है तो ये ऑप्शंस हमें देख रहे हैं, ऑप्शंस हमें दिख रहा है जब एक बार सीरीज में कनेक्ट किया और एक बार पैरेलल में कनेक्ट किया तो हमें ब्राइटनेस के बारे में कमेंट करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं सीरीज में कनेक्ट करता हूँ। तो सिंपली मैं दोनों को रेजिस्टेंस कंसिडर कर लेता हूँ। टंगस्टन है, सिंपली एक रेजिस्टेंस है। ये मैंने इन दोनों को यहाँ कर दिया सीरीज में कनेक्ट। ये मेरी हो गई सीरीज कनेक्शन। और एक बार क्या करता हूँ, एक बार पैरेलली कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये मैंने पैरेलली कनेक्ट कर दिया। तो इस बार भी पोटेंशियल मेरी सेम ही है, V के इक्वल मैंने यहाँ पोटेंशियल लगा दी। तो मैं ए वाला जो है, ए वाले की R1 है, तो मैं यह मान लेता हूँ R1 R2 सिमिलरिटी यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ R1 एंड R2। अब इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, इसलिए मैंने कोई इंटरनल रेजिस्टेंस इस बैटरी के साथ नहीं दिखाया। तो अब हमें कमेंट करना है ब्राइटनेस पर, यानी हमें पावर पर कमेंट करना है। तो ये अगर ए है तो मैं मान लेता हूँ पी ए, पावर ऑफ बल्ब ए, पावर ऑफ बल्ब बी, सिमिलरली पावर ऑफ बल्ब ए एंड पावर ऑफ बल्ब बी। तो अगर मैं सीरीज वाले में बात करूँ, सीरीज वाले में अगर मैं बात करूँ तो मेरी पावर ऑफ ए क्या होगी, पावर ऑफ ए होगी I² × R1 और पावर ऑफ बी होगी I² × RB। देखिए मैंने दोनों में आई सेम रखा, I² क्यों, क्योंकि सीरीज में हम जानते हैं करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इन बोथ द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आई, सेम रहेगा करंट इन बोथ द रेजिस्टेंस इट्स सेम। तो पी ए पी बी आई स्क्वायर तो दोनों में कॉमन है। तो R1 R2, तो अगर मेरी R1 की वैल्यू ग्रेटर देन है R2, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है दैट R1 इज ग्रेटर देन R2, तो इसका मतलब हो गया कि पी ए इज ऑल्सो ग्रेटर देन पी बी, मतलब ए वाला बल्ब है वो ज्यादा ब्राइटली ग्लो करेगा जब सीरीज में रहेंगे। तो स्टेटमेंट 1, लैंप ए विल ग्लो ब्राइटली इफ लैंप्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। अब हम बात करते हैं पैरेलल कनेक्शन की। इस पैरेलल कनेक्शन में इस दोनों पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल दोनों में तो सेम रहेगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैं यहाँ पावर लिखूंगा, तो यहाँ मैं पावर लिखूंगा तो V² / R1 लिखूंगा, ये पावर ऑफ ए, और पावर ऑफ बी लिखूंगा तो यहाँ मैं लिखूंगा V² / R2। अब दोनों में वोल्टेज जो है मेरा सेम है, V² सेम है, तो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अब दे रखा है कि रेजिस्टेंस 1 इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस 2, तो अगर R1 बड़ा है तो ये PA छोटा होगा, सो PA इज लेस देन PB। तो इस केस में मेरा बल्ब बी जो है वो ज्यादा ग्लो करेगा। तो इस ऑप्शन नंबर 2 में देखते हैं, लैंप ए विल ग्लो ब्राइटली इन पैरेलल, नहीं। लैंप बी विल ग्लो ब्राइटली इफ लैंप्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, नहीं। लैंप बी विल ग्लो ब्राइटली इफ लैंप्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये सही है, यानी 1 और 4 स्टेटमेंट सही है। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।